हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। मेल सुपर हीरोज की भरमार वाला हॉलीवुड देर से ही सही, लेकिन अब फीमेल सुपर हीरोज पर भरोसा जताने लगा है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म कैप्टन मार्वल के बाद अब करीब दो दशक पहले साल 2000 में शुरू हुई एक्समैन सीरीज की हालिया रिलीज फिल्म डार्क फिनिक्स में भी फीमेल सुपर हीरो ग्रीन ग्रे के किरदार को केंद्र में रखा गया है। यही नहीं, फिल्म के शुरू में एक डायलॉग भी है जहाँ एक्समैन टीम की अहम किरदार रेवन उर्फ मिस्टिक जेनिफर लॉरेंस कहती है, हर बार औरतें ही टीम को बचाती है, इसलिए इसका नाम अब एक्समैन के बजाय एक्स वुमेन कर देना चाहिए। फिल्म में मुख्य भूमिका में सोफी टर्नर है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिले जुले रिव्यूज मिल रहे हैं। शुरुआत 70 के दशक से होती है जहां अपने अनकंट्रोल्ड पावर्स के चलते छोटी सी जीन ग्रे चीजें तोड़ देती है और ऐसे ही एक हादसे में अपने पेरेंट्स को गवा बैठती है, जिसके बाद म्यूटेंट्स की एक्समैन टीम खड़ी करने वाला प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ से कहानी 90 के दशक में पहुँचती है। लेखक निर्देशक साइमन किनबर्ग ने फिल्म में इमोशंस पर ज्यादा जोर दिया है। जीन का किरदार काफी समय तक कन्फ्यूज रहता है और उनकी यह कन्फ्यूजन असल में राइटर की कंफ्यूजन लगती है कि उन्हें समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे बढ़ाएं। फिल्म में एक्शन सीन अच्छे हैं। सोफी टर्नर ने सुपर हीरो डार्क फिनिक्स के रूप में पावरफुल परफॉर्मेंस दी है, साथ ही इमोशंस और कंफ्यूजन को भी बखूबी दिखाया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।